सो गाइस, आज मैं अपने प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूँ डिस्टिंक्ट मेथड के बारे में लारावेल में। ऐसे क्यों यूज़ किया जाता है, इसका पर्पस क्या है, इसका कब कब जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली मैं आपको थोड़ा डेटाबेस से आपको सामना करा दूँ। तो ये कॉलेज नाम का डेटाबेस है जिसमें स्कूल्स नाम की टेबल है एंड टीचर्स नाम की टेबल है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको हम पहले समझेंगे एंड देन उसे कैसे सॉल्व आउट करते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट मेथड के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ स्कूल्स हैं जो कि आईडी और नेम पर है, यहाँ पर आईडी और स्कूल का नेम है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर अभी कोई लेना देना नहीं है फिलहाल में, यहाँ इस टेबल से आपका लेना देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि टीचर का नेम है, टीचर्स नाम की टेबल है जिसमें टीचर का नेम है और स्कूल आईडी है, मतलब कौन सा टीचर किस स्कूल आईडी से अटैच है, ठीक है। तो संजीव 3 से अटैच है, राघव 3 से अटैच है, दीपक 2 से अटैच है, संदीप 2 से, संदीप 2 और राजीव रंजीत 1 से, ठीक है। तो अभी आपने देखा संदीप 2 और संदीप 2, ये क्या, ये तो लफड़ा हो गया ना, मतलब यहाँ पर अब आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करोगे तो आपको वहां पे डबल डेटा दिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है आपका डिस्टिंक्ट मेथड, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट मेथड आपको जो डुप्लीकेसी होती है आपके डेटा की उसको रिमूव कर रहा होता है, ठीक है। तो उसे हम कैसे करेंगे, चलिए हम वे में जानते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक राउट सेट कर रखा है डेटा नाम का, और टेस्टिंग नाम का एक कंट्रोलर बना रखा है जिसका मैंने इंडेक्स मेथड कॉल किया हुआ है, ठीक है। एंड देन टीचर्स नाम का मैंने टीचर्स नाम का मैंने ऑलरेडी एक मॉडल बना रखा है जो कि टीचर मॉडल है, ये वाला टीचर मॉडल है, ठीक है, जिसमें हमारी टीचर्स नाम की टेबल कनेक्टेड है और डेटाबेस का हमारा सेटअप कंप्लीटेड है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट मेथड को आपको यहाँ पे समझना है कि कब यूज किया जाता है, कब यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो प्रॉब्लम आप समझ गए कि यहाँ पर आपको डुप्लीकेसी मिल रही है डेटा की, एंड देन अब आप यहाँ पर डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट मेथड को दो वेज में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पहला वे क्या है, तो मैं यहाँ पर टीचर मॉडल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इम्पोर्ट कर रखा है, यूज एप मॉडल स्लैश टीचर, तो मैं टीचर कॉलन कॉलन लिखूंगा एंड देन मैं यहाँ पर लगा दूंगा डिस्टिंक्ट लगाया मैंने। एंड देन गाइस, मैं यहाँ पर गेट कर लेता हूँ, गेट बेसिकली मुझे करना है किस पर लगाना है, मुझे कॉलम नेम बताना होगा, मुझे बताना है नेम पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एरे में पास कर दूंगा नेम, एंड देन गाइस मैं यहाँ से क्या करता हूँ डेटा को रिटर्न कराता हूँ, ठीक है। तो मैं डेटा को यहाँ से रिटर्न करा के और मैं यहाँ पे चेक करूंगा स्लैश डेटा मैंने यहाँ पर लिखा है, एंड देन गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आपको संजीव, राघव, दीपक, संदीप और रंजिता, मतलब संदीप दूसरा था वो रिमूव हो चुका है, मतलब यहाँ से आपकी डुप्लीकेसी रिमूव हो चुकी है। तो ऐसे हम यहाँ पे एक वे ये होता है। अभी देखिए, हम यहाँ पर दो पर्टिकुलर कॉलम्स पर देखेंगे, अभी हमने एक कॉलम देखा, अभी देखिए मैं दूसरा भी और आपको बता देता हूँ, दूसरा भी कैसे आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। मान के चलिए आप यहाँ पर सिलेक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, सिलेक्ट यूज करो, लाइक नेम आपने सिलेक्ट किया एंड देन आपने जो है डिस्टिंक्ट यूज किया, ठीक है, डिस्टिंक्ट मेथड आपने यूज किया, मतलब आप यूनिक चाहते हो डेटा, ठीक है, और आपने गेट कर लिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, नेम आप गेट करो और डिस्टिंक्ट जो लगेगा आपका नेम के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो आप यहाँ पे भी नेम पास कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर डिस्टिंक्ट क्या करता है, जितने भी आप सिलेक्ट कर रहे होते हो उस पर ये ऑटोमेटिक लगा देगा। एंड देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं अभी भी वही डेटा दे रहा है, मतलब डुप्लीकेसी रिमूव हो चुकी है। अगर मैं डिस्टिंक्ट नहीं लगाता तो यहाँ पर आपको जो है डुप्लीकेसी दे देता है, ठीक है, देख सकते हैं दो बार संदीप आ चुका है, ठीक है। तो इसी को यू रिमूव करता है डिस्टिंक्ट मेथड। अब देखिए गाइस, मैं यहाँ से जाता हूँ पिछले वाले वे में, ठीक है, मैं पिछले वाले में वे में जाता हूँ और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डिस्टिंक्ट, एंड देन यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं दो कॉलम्स, ठीक है। तो मान के चलिए मैंने एक पास किया नेम, ठीक है, एंड देन गाइस मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे को अभी डुप्लीकेशन नहीं आ रही, ठीक है। बाय द वे, मान के चलिए जैसा कि मैं यहाँ पर अभी आपको अपने डेटाबेस में जा करके दिखाऊं तो ये थोड़ा स्लो हो गया, एंड देन यहाँ पर देख सकते हैं संदीप एंड संदीप, मतलब डुप्लीकेशन ही मूव हो गई है। अगर बाय द वे मान के चलिए मैं स्कूल आईडी पास करता हूँ, ठीक है, स्कूल आईडी पास करता हूँ और यहाँ पर लाइक मैंने यहाँ पर पास की साथ में स्कूल आईडी पास की, अभी देखिए मेरे पास जो डेटा आ रहा है, मतलब एक संदीप, मतलब एक दो तीन चार पांच रो आ रही है, ठीक है। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर एक दो तीन चार पांच, पांच डेटा अभी भी आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, आपकी डुप्लीकेसी तो रिमूव हुई है, पर ये क्या है, जब आपने यहाँ पर दो कॉलम्स आपने पास किए, यहाँ पर दो कॉलम्स आपने पास किए, तो डिस्टिंक्ट मेथड क्या देखता है कि दोनों मिलकर के डिफरेंस होना चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक आपको और भी मैं बताता हूँ, लाइक यहाँ पे दीपक 2 में है, ठीक है, और संदीप भी 2 में है, और लाइक मैं यहाँ पर एक और डेटा इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसी को क्या करता हूँ कॉपी कर देता हूँ यहाँ से,
और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़े चेंजेस करूंगा, जैसे कि आपको पता चले कि मैंने संदीप को डाल दिया थर्ड में, ठीक है, और मैंने यहाँ से इसको गो किया, ठीक है। तो अब मेरे को जो डेटा देख रहे हो आप, यहाँ पे देख सकते हो कि संजीव 3 में, राघव 3 में है, ठीक है, दीपक 2 में है, संदीप 2 में है, संदीप मतलब 2 में है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि यहाँ से आपको एक ही डेटा मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए संदीप यहाँ पे 3 में चला गया, तो इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में क्या होगा कि जो पहले दोनों में चेक करेगा कि नेम जो है और स्कूल आईडी जो है डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब अगर दोनों मैच करती हैं तब उस केस में आपको यूनिक डेटा देगा। अगर बाय द वे मान के चलिए संदीप 2 में है और संदीप 3 में भी है, तो ये दोनों को डेटा हमको देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने रिफ्रेश किया गाइस, अभी देखिए आपके पास 5 रो आ रही थी पिछले में, अब 6 रो आ गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए संजीव का स्कूल आईडी ये रहा, राघव का स्कूल आईडी 3 था, ठीक है, बट संदीप ने देखो यहाँ पर स्कूल आईडी 2 आया, पर संदीप दोबारा रिपीट नहीं हुआ 2 वाला, पर संदीप 3 वाला रिपीट हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोनों को कंपैरिजन किया जाता है, जो आप कॉलम्स नेम आप यहाँ पे पास करोगे, जितने भी आप कॉलम्स नेम पास करोगे वो एक साथ ना हो, ठीक है। जैसे संदीप देखिए मान के चलिए संदीप 2 में 2 बार था, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं संदीप 2 बार था 2 वाले स्कूल आईडी के साथ, ठीक है, तो इसने रिमूव कर दिया तो उसने 1 दे दिया, ठीक है। पर संदीप 3 वाले में 1 बार है तो इसलिए उसने यहाँ पर उसे प्रिंट करा दिया। अगर बाय द वे मान के चलिए मैं इसे दोबारा कॉपी कर देता हूँ संदीप 3 को 3 में ही, तो अब इस केस में क्या वो हमें दोबारा डेटा रिपीट करके देगा, नहीं देगा, ये दोनों को चेक करेगा एंड देन अभी जो है हमें डेटा वही पुराना वाला देने वाला है, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं रेफरेंस करता हूँ तो देख सकते हैं उसने संदीप को 2 में चेक किया तो उसने 1 बार दिया कि हाँ डुप्लीकेसी डेटा है तो मैं यहाँ पर 1 बार रिपीट करूंगा, ठीक है। और उसने 3 में भी चेक किया कि हाँ अगर 3 में भी रिपीट हो रहा है तो उसे 1 बार देगा, अगर नहीं रिपीट हो रहा है तब भी उसे 1 बार देना ही था, ठीक है। तो बेसिकली डिस्टिंक्ट मेथड का यही यूज था कि आपके कॉलम पर देखता है कि कॉलम दोनों को मिला करके देखेगा, दोनों डिफरेंट है यानी सभी डेटा से, ठीक है, कंपैरिजन वो दोनों के साथ करेगा। अगर आप सिंगल पास करते हो तो सिंगल में अभी देखिए अगर मैं यहाँ पर नेम को सिंगल के साथ करता हूँ, ठीक है, तो अभी देखिए आपको ओनली संजीव देगा, राघव देगा, दीपक देगा, संदीप देगा, रंजीत देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं संदीप 4 बार रिपीटेड है पर ये संदीप को 1 बार देने वाला है, ठीक है। मैं अगर यहाँ से स्कूल आईडी हटा देता हूँ इस बे में, ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर एक कॉलम पर लगाया तो हमें यहाँ पर 4 ही डेटा दिखने वाला है, ठीक है, संजीव, राघव, दीपक, संदीप, रंजीत, ठीक है। तो देखा कि हमने पर्टिकुलर एक कॉलम पे लगाया तो उसने पर्टिकुलर पूरे मतलब कॉलम में चेक किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 2 बार पास करते हो, मतलब 2 कॉलम पास करते हो, तो दोनों को मिलकर के चेक करने वाला है कि दोनों को मिलकर के डुप्लीकेट हुआ या नहीं डेटा, ठीक है। तो ये भी होता है डिस्टिंक्ट का, ये काफी यूजर्स को थोड़ा कंफ्यूजन रखता है, तो ये थोड़ा मेरे को कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैंने यूज किया डिस्टिंक्ट, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना बताया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता रहता हूँ। और देखिए अगर आप दूसरे वे में अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पर दूसरे वे में अगर आपको दिखाता हूँ सेलेक्ट, और 2 वेज होते हैं बेसिकली, लाइक मैं नेम में लगाता हूँ और मैं नेम पर अपने डिस्टिंक्ट को यूज कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन गेट करता हूँ, तो अभी भी आपको पता है ये 4 ही डेटा देने वाला है, ठीक है, देने वाला है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं साथ में 2 कॉलम पास करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर पास करता हूँ स्कूल आईडी, ठीक है, तो अब ये दोनों को कंपैरिजन करने वाला है। अभी ये आपको कितना डेटा देने वाला है, अभी आपको 6 डेटा देने वाला है, ठीक है। अब आप चाहें कितना भी डुप्लीकेसी डेटा आप एंटर क्यों ना करें, वहां से आपको डुप्लीकेसी रिमूव कर देगा, दोनों को चेक करेगा, दोनों में कंपैरिजन करेगा कि स्कूल और आईडी और नेम, ठीक है। तो यहाँ पर इसने देखा कि संदीप का जो नेम है वो यहाँ पर रिपीटेड है नेम में, पर उसने चेक किया कि स्कूल आईडी में भी रिपीटेड है क्या, तो दोनों में रिपीटेड था तो उसने 1 बार प्रिंट किया। अगर बाय द वे मान के चलिए संदीप 2 अगर 4 बार होता तो वो 1 बार ही देता, और संदीप 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 बार रिपीट किया तो उसने 1 बार ही उसे उठाया, मतलब गेट किया, ठीक है। तो ये दोनों में कंपेरिजन कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आईडी पास करोगे ना, अब आईडी तो ये तीनों में देखेगा, अगर मैं यहाँ पर लाइक आईडी पास करता हूँ तो अब ये क्या करेगा, मेरे को सारा का सारा डेटा दे देगा, क्योंकि मेरी आईडी जो है वो यूनिक है, तो यूनिक है तो मेरे को सारा का सारा डेटा यहाँ पर देने वाला है, तो ये तीनों को अब कंपैरिजन करने वाला, तो इसलिए यहाँ पर उसने सभी डेटा को मेरे को यहाँ पर दे दिया। तो जितने आप यहाँ पर कॉलम नेम पास करोगे
उतने में ही वो चेक करेगा, ठीक है। तो ये फायदा है इसका डिस्टिंक्ट मेथड का कि ये डुप्लीकेसी ऐसे रिमूव कर रहा होता है, ठीक है। आप ऐसे ही तीन चार कॉलम पर लगाना चाहते हैं, रिपीटेड ना हो, तो आप यूज कर सकते हैं डिस्टिंक्ट। तो ये काफी बेस्ट रहता है मेथड, और आप इसे यूज करिएगा। सो आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें एंड देन कमेंट करें। यहाँ पर आपको ऐसे ही प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक यू।